प्रधानमंत्री ने आज अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, मानव तस्करी और नशे से संबंधित अपराधों पर रोक लगाना सरकार की पहली प्राथमिकता। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू, प्रदेश भर में यातायात जागरूकता को लेकर किया जा रहा है कार्यक्रमों का आयोजन। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भिलाई में किया गया पतंग उत्सव का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश के दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों सूरत और अहमदाबाद को उत्तरायण के ठीक बाद 17,000 करोड़ रुपए का उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि केवड़िया को रेल संपर्क से जोड़ने और सूरत तथा अहमदाबाद में मेट्रो जैसी परियोजनाओं से इन क्षेत्रों का और विकास होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर अमल से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूद देश के बुनियादी ढांचे के विकास का काम रुका नहीं है। उन्होंने कहा कि इन दो मेट्रो परियोजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत शहर इस समय तेजी से विकसित हो रहा दुनिया का चौथा शहर है। इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले यहाँ की 20% आबादी शहरी झुग्गी बस्तियों में रहती थी, लेकिन किफायती आवास सुविधा उपलब्ध हो जाने से ये संख्या घटकर 6% हो गई है। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर है। मुझे याद है जब अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वह कितना अद्भुत पल था। लोग छत पे धावे पर खड़े थे, लोगों को चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं ये भी देख रहा हूं कि अहमदाबाद के सपनों ने, यहां की पहचान ने कैसे खुद को मेट्रो से जोड़ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर समन्वित परिवहन प्रणाली दृष्टिकोण से अमल कर रही है और इनके विकास में परिवहन के अन्य साधनों के साथ तालमेल कायम करने का भी ध्यान रखा जा रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 96.59% हो गई है। अब तक 1,02,11,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से प्रतिदिन ग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार 15,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में 13,778 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 14,400 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या मौजूदा सक्रिय मामलों का 50 गुना से भी अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कड़ाई से पालन कराने, चिकित्सकों और चिकित्सा से जुड़े कर्मचारियों द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा के कारण देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बेहतर हो गई है।
इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 323 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 261 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 283,111 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल 6,832 सक्रिय मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज वैक्सीन लेने वाले कर्मचारियों से बातचीत की। इन कर्मचारियों ने श्री सिंहदेव को बताया कि टीका लगाने के बाद उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई है। ये कर्मचारी अस्पतालों में सामान्य दिनों की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि मानव तस्करी तथा नशे से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और पुलिस इस दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है। भिलाई में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि मानव तस्करी और नशे के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस ने सफलता भी पाई है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, विधानसभा में भी कहा है, विपक्ष लोग जब उठाते हैं पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर, अन्यान्य के ऊपर, तो मैं स्पष्ट कहता हूं, चाहे वो नशा हो चाहे मानव तस्करी की बात हो, इन दो वर्षों में सर्वाधिक फोकस करके काम किया गया है और उनमें सफलता मिली है। बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं, बड़े बड़े गैंग पकड़े गए हैं, अंतर्राज्यीय जो आया है वो भी पकड़े गए हैं, तो हम लोग पूरी सफलता इसमें हम लोगों को मिल रही है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के वारदात को रोका जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में अपराधों की रोकथाम और उसके शीघ्र निराकरण के लिए पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को 5 गुना बढ़ा दिया है। इससे इस वर्ग के छात्र छात्राओं को आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सांसद गुहाराम अजगल्ले ने कहा है कि इसका लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो किसी वजह से आगे पढ़ने में असमर्थ रहते हैं। 300 रुपया महीना यदि स्कॉलरशिप मिलता था तो इस व्यवस्था के बाद में 5 गुना उसको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। मतलब जो 300 जो मिलता था जिस विद्यार्थी को, उसको 1500 रुपया मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे एक व्यवस्था किया गया है। श्री अजगल्ले ने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति के बजट को बढ़ाकर 1100 करोड़ से 6000 करोड़ रुपए कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज से प्रदेश भर में यातायात जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्री मीणा ने कहा कि जानकारी के अभाव में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए जागरूकता रथ के जरिए लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। संदेश यही है कि जो नियम बनाए गए हैं वो बड़े टफ हैं। उनमें ये क्लियर बताया गया है कि अगर नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उनके पेरेंट्स के ऊपर ही केस दर्ज होगा और उनको जेल भी भेजा जाएगा। हमारा ये है, इस साल हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। जहाँ भी हमको नाबालिग लोग गाड़ी चलाते हुए मिलते हैं उनके पेरेंट्स के ऊपर FIR इसमें की। अभी हम लोग ये पहले सड़क सुरक्षा प्रोग्राम से सिर्फ शहर में हुआ करते थे, जबकि जो एक्सीडेंट्स का परसेंटेज है शहर के अंदर मुश्किल से 5% भी नहीं है। 210 मौतें लास्ट ईयर हुई हैं, तो शहर में देखेंगे तो 10 भी नहीं निकली। बाकी सारी ग्रामीण अंचलों में जो बाहर के थाने हैं उनमें, जहाँ पे हाईवे लोकेटेड है यहाँ पे ट्रकों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, या बाहर में होने की वजह से, नया हाईवे बनने की वजह से लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है,
तो हम ये अब प्रोग्राम्स को बाहर लेके जाएंगे, कटगोरा क्षेत्र हो गया, पाली क्षेत्र हो गया, दिपका क्षेत्र हो गया, करतला हो गया, उर्गा हो गया, इन सभी क्षेत्रों में इस प्रोग्राम को ले जाया जाएगा, वहीं के लोगों को जागरूक किया। इसी तरह कबीरधाम जिले में भी आज से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देने पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा माह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि युवाओं को धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए, साथ ही उन्हें यातायात नियमों की जानकारी होना जरूरी है। श्री शर्मा ने पुलिस कर्मियों की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात सुरक्षा माह के दौरान खिलाड़ी, एनसीसी के कैडेट और पुलिस जवान विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों की जानकारी लोगों को देंगे। प्रदेश में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत आज दंतेवाड़ा जिले में एक महिला सहित 8 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही अब तक 67 इनामी सहित कुल 248 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि आज जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया उनमें महिला जन मिलिशिया सदस्य सहित सभी प्लाटून डिप्टी कमांडर हैं। इन माओवादियों पर अनेक माओवादी गतिविधियों पर शामिल रहने का आरोप है। इनमें से 4 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ठीक है कि जैसे कि शासन की भी मंशा है कि इनका पुनर्वास किया जाए, तो पुनर्वास के लिए बनचाहा वर से शादी होना भी एक पुनर्वास का एक पार्ट है। तो 14 तारीख को जो भी वर वधु शादी करना चाहेंगे उनको लोन वराटू शादी समारोह कराया जाएगा। इनका लोन वराटू पट्टे दिए जाएंगे, लोन वराटू आवास दिए जाएंगे, स्वरोजगार के लिए लोन वराटू ड्राइविंग सिखाया जा रहा है, उनको वेल्डिंग सिखाया जा रहा है, उनको बाकी जो भी स्किल सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज का दुकान, ग्रॉसरी का दुकान, वो सब खोल कर दिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि ये जो अंदरूनी अंचल के जो युवक युवती हैं जो कि कहीं ना कहीं नक्सली भय में जी रहे हैं, नक्सली भय में भर्ती हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको हत्या करने की नक्सली द्वारा साजिश की जा रही है, जो भी वहां से भाग के आए उनको पुनर्वास किया जाए और मुख्यधारा में जोड़ा जाए। श्री पल्लव ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार और चित्रकार संघ द्वारा राजनांदगांव में एक दिवसीय कलाकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कलाकारों की अनेक मांगे हैं जिसे शासन स्तर पर पूरा करने के साथ ही कलाकारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अपना प्रदेश का पहला सम्मेलन कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी वाजिब मांग भी है और संगठित रूप से पहली बार प्रयास किए हैं और उनके मांगों में ये है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें माटी कला बोर्ड जैसे संस्था को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो, उनके रजिस्ट्रेशन हो, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था हो और बाहर से जो मूर्तियां आती हैं उन मूर्तियों में चाइना से और बाहर से उनमें प्रतिबंध हो। तो बहुत सारी मांगे शासन स्तर पे करने की हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके सही मांगों को शासन ध्यान दे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ शिल्पकारों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भिलाई में पिछले दिनों मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। गुजराती समाज द्वारा आयोजित इस पतंग उत्सव में आकर्षक पतंगबाजी की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के व्यंजनों के साथ साथ गुजराती समाज के व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि पारंपरिक पतंगबाजी उत्सव में छत्तीसगढ़ और गुजरात दोनों राज्यों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। दो ऐसी वैभवशाली संस्कृतियों का मिलन है ये। जिस तरह गुजरात की अपनी एक संस्कृति है, अपनी वेशभूषा है, अपना खान पान है और अपना रहन सहन है, उस तरह छत्तीसगढ़ भी बहुत वैभवशाली क्षेत्र है और यहाँ की अपनी संस्कृतियाँ हैं, यहाँ के अपने लोक नृत्य हैं, लोक गायन हैं और मैं सोचता हूँ कि बहुत सा साम्य गुजरात की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बीच में है। मैं गुजरात की हूँ और छत्तीसगढ़ में शादी करके आई हूँ, तो मुझे गुजरात और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खान पान, व्यवस्था में समानता बहुत दिख रही है।
क्योंकि खान पान तो वैसे छत्तीसगढ़ के कुछ चीज़ें कम वो रहती है लेकिन गुजरात से सिमिलर रहती है, तो मुझे खुशी होती खान पान और पहनने रहने का तरीका भी छत्तीसगढ़ और गुजरात का कुछ कुछ सिमिलरिटी में आ रहा है। इस आयोजन में गुजराती वेशभूषा में आए लोगों ने पतंगबाजी की। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ की गुजरात के साथ जोड़ी बनाई गई है। इस तरह दोनों राज्यों के रीति रिवाज, पर्यटन धरोहर, खेल व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।